तो पहाड़ी लाइफस्टाइल यार बिल्कुल भी इजी नहीं है। मॉर्निंग टू नाइट आपको बहुत सारे टास्क पूरे करने पड़ते हैं, खाने से लेके खेत हो गया, आपने जो किसी के पास बकरियां होती है, किसी के पास गाय है, बैल है, उनके लिए घास वगैरह। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ इजी लाइफ होगी? बिल्कुल नहीं, और वो भी ऐसे मौसम में जहाँ कभी भी बारिश आ जाती है, क्योंकि लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। लेकिन हाँ, अगर तरीके से रहें, जिया जाए, तो बहुत ही इंजॉयबल है, बहुत ही सॉफ्ट लाइफ भी है। क्योंकि मैं तो यहीं से, मेरा बर्थ यहीं का है, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है यहाँ की लाइफ, क्योंकि मुझे आदत है और यहाँ का मौसम मुझे बहुत सूट होता है। ये नदियाँ हो गई, पहाड़ हो गए, और ये पीछे जंगल, तो मुझे तो मज़ा आता है। शायद आपको देखने में मज़ा आ रहा होगा, अगर मज़ा आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और अभी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा, खेत दिखाऊंगा, हमारा घर दिखाऊंगा, गांव दिखाऊंगा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस वीडियो में, तो बने रहिएगा। तो यार गांव की लाइफस्टाइल कुछ इस तरीके से होती है। हाँ, यहाँ देखो ताई जी यहाँ पे हमारी काम कर रही है, और यहाँ पे मेरी मम्मी भी काम कर रही है सामने, और ये गांव की ताई जी आ रखी हैं। तो ये सारा काम इतनी तेज़ बारिश होने के बाद भी यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जानवरों को भी उतनी प्रायोरिटी है जितना इंसानों को है यार, उनके खाने के लिए, उनके रख रखाव के लिए, उनके ध्यान के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं। खेत है, जंगल है, हर चीज़ देखनी पड़ती है, तो लाइफ इतनी इजी नहीं है। यहाँ पे यार खेतों के साथ साथ अपनी पूरी लाइफ को कैसे सरवाइव करना है यहाँ पे इन कंडीशंस में, वो सब देखना पड़ता है। तो अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा गदेरे की तरफ, गदेरे में आपको दिखाता हूँ, सोचा थोड़े अच्छे सिनेमैटिक में निकाल लूँ आपके लिए। थी वो नदी जहाँ पे अभी हमने थोड़ा मस्ती करी, और मेरा छोटा भाई जो ज़िद्दी एक नंबर का है, वो आखिरकार नहा के ही उसने दम लिया है, क्योंकि इस मौसम में यार अभी जो बारिश हुई है बहुत ज़्यादा, ऐसे मौसम में नहाना, और शाम का वक्त हो रहा है, शाम के एटलीस्ट 6 बज रहे हैं, और इस टाइम ये नहा रहा है वो भी नदी में, तो इतना ठंडा पानी था। तो खैर छोड़ो, वो उसकी ज़िद है, वो इसका इंजॉयमेंट है। और यहाँ से आएंगे और अब जाएंगे हम घर की ओर, तो मम्मी तो जा चुकी हैं और वहाँ पे ताई जी काम कर रही हैं, तो वो भी आएंगी अभी घर। और सूरज तो बिल्कुल छिपा हुआ है, और आ गए जनाब नहा के, फुल एंजॉय करके चुन्नी लपेटते हुए। यार मुझे तो आ रहा है बहुत ज़्यादा मज़ा, क्योंकि गांव की लाइफ इतनी इंजॉयबल है, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम तो सिटीज़ से आ रखे हैं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है मुझे। आपको भी अच्छा लग ही रहा होगा, आपको शायद वीडियो अच्छी लग रही हो, क्योंकि बहुत नेचुरल इन्वायरमेंट में आज वीडियो बन रही है। क्योंकि दिल्ली में तो मैं दिल्ली एक्सप्लोर करता था, और सडनली मुझे गांव आना पड़ा, तो आपको उत्तराखंड भी देखने को मिल रहा है। तो आई होप यू लाइक इट मोस्ट, सो बने रहिए और इन्जॉय कीजिए वीडियो को और इस नेचुरल इन्वायरमेंट को। तो इन्जॉय, अभी जाते हैं घर की तरफ इन्जॉय करके। ये ऐसे रास्ते ही मिलेंगे भाई, इसी टाइप के रास्ते बने हुए हैं, और हमें अपना रास्ता खुद बनाना है। खुद क्या बनाना है, वैसे तो यहीं से जाते हैं, लेकिन यहाँ कोई फैसिलिटीज़ उस टाइप की नहीं है कि हाँ हमारे लिए स्टेयर्स होगी या पक्का थोड़ा रास्ता होगा। कहीं कहीं पे पक्का रास्ता है, लेकिन ये है खेत।
थोड़े गांव के कामों का एक्सपीरियंस। मेरे लिए भी निकाल, ये रहा करंजा पहाड़ी फल। ये है हमारी गाय और ये है बाछी। तो पहाड़ी लाइफस्टाइल में हर घर पे आपको बाछी, गाय, बैल, बकरियां इस टाइप की मिलेंगी। हमारे पे बकरियां तो नहीं, लेकिन हमारे पास गाय है, बाछी है, बैल है और ये रही गौशाला।